Bhuvan, you had said to me pichli baar jab humne interview kiya tha ki Dhindora is like a pizza base for me. Yes. Ab main iske upar कोई भी टॉपिंग डाल सकता हूँ. मैं टीटू मामा की पिक्चर बना सकता हूँ. मैं कुछ और चेंज कर लूंगा. जो करना है, नाउ आई हैव सेट द बेस. सो व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान? आई डोंट नो. पर मेरा एक बहुत मन है. मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस है मेरी इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर पर्सनैलिटी विद टीटू मामा. क्योंकि स्ट्रेट फेस्ड है, कुछ भी बोल सकता है. He is my favorite. और बोल के निकल भी सकता है. Yes. एकदम सैवेज आदमी है. वैसा मैं बनना चाहता हूँ लाइफ में. पर ये नाकाम है मेरा. पर वैसा मैं बनना चाहता हूँ. हाँ, अंदर से. हाँ, अंदर से मेरे को काफी जवाब आते हैं लेकिन मैं फिर देता नहीं. पर मुझे एक मेरा ड्रीम है कि किसी दिन मेरा आलस खत्म हुआ तो मैं पहले जाऊंगा जिम. थोड़ी सी अच्छी डिसेंट सी, ऐसी भयानक कट वाली बॉडी नहीं, बट अच्छी सी डिसेंट बॉडी बनाऊंगा और एक टीटू मामा की कॉमेडी एक्शन फिल्म बनाऊंगा. That sounds amazing. जिसमें द सेंटर कैरेक्टर इज टीटू मामा. और बीबी की वाइंस यूनिवर्स का कोई कैरेक्टर नहीं है उसमें. सिर्फ टीटू मामा और बाकी एक्टर्स हैं. इट्स द एडवेंचर ऑफ टीटू मामा. हाँ, कि वो टीटू मामा बना कैसे. ओह, ओरिजिन स्टोरी ऑफ टीटू मामा. हाँ, कि वो इतना पागल क्यों है, वो ऐसा क्यों, ऐसे क्यों बिहेव करता है. बट हाँ, होगा कभी तो. है? हाँ, अच्छा है आदमी. एक डायलॉग बोलेंगे आप? तब बेटा चुप हो जाओ. अभी मैं कर रहा हूँ अनुपमा जी से बात. बीच में खुशखुश पीस पीस पूछ पूछ चल रहा है. मेरा हाथ उठ जाएगा क्या? उठ जाएगा. And this is the Titu Mama who got a chumpy from Shahrukh Khan. Oh yes. What an amazing moment. What a great moment.